नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने अभी मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड में कुछ कुछ ऑटोमेटिक किया था और मैंने थोड़ा रीमॉडल कर लिया है, इसको थोड़ा ढक दिया, बहुत ही अजीब लग रहा था इसलिए खाने की चीज़ें जो है उसको ले लिया जाए पहले तो। और बाकी जो है उनको सूखने के लिए रख लेते हैं, जोम्बी मीट फ्लैश बोल सकते हैं उसको। इस एपिसोड के लिए एजेंडा ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये बनाया जाए, फार्मिंग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि मिनीशियो सीड जो है और मैजिकल क्रॉप्स जो है उसमें घुसना पड़ेगा और वो एक अचीवमेंट भी है। और ब्रीडिंग का एरिया भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी रेड फ्लावर की, और वो बिना ब्रीडिंग एरिया के मिलेगा नहीं। तो एनीवेज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ज़रूरत है इसके डर्ट के, और डर्ट के लिए ज़रूरत है हम लोगों को काफ़ी जगह एक्चुअली डर्ट बनाने के लिए, क्योंकि बिना डर्ट के हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते और बहुत सारे डर्ट की ज़रूरत है। तो एनीवेज हो जाएगा। और एक लूट बैग्स तो इतने सारे मिल रहे हैं कि पूछो ही मत। एनीवेज एक एक करके खोल लेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चालू कर दिया जाए इसको, इतने सारे सैपलिंग्स हैं अपने पास तो उनको यूज़ पे लाया जाए। तो एनीवेज सिंपल है डर्ट बनाना, शुरू में हम लोगों ने किया था, बस इनको भर दो बैरल्स को और कुछ देर बाद रेडी हो जाता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना और बैरल्स बना लिया जाए। एनीवेज अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो जब तक के ये डर्ट कन्वर्ट हो रहा है मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तब तक तैयारी कर लिया जाए अपना ये बनाने का। तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और मुझे प्लेटफॉर्म इस से बनाना है, स्टोन ब्रिक स्लैब से, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है उससे। तो मेरे ख्याल से इस साइड बनाना चाहिए हम लोगों को, ये साइड पूरा मशीनरी ये सब के लिए रखते हैं और इस साइड फार्मिंग और इसके लिए रखते हैं। तो जो सेंटर है अपना उसको ही फॉलो करते हैं। और फार्मिंग एक्चुअली नहीं, पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ये बनाया जाए, एक मिनट हाँ, ब्रीडिंग एरिया। तो एक, अबे क्यों नहीं हो रहा है, दो तीन चार पाँच छः सात 21, 22, 24, 25। मेरे ख्याल से ये काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे फिर एक दो तीन, तीन इधर और तीन इधर बना लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बीच में एक्स्ट्रा बना लिया मैंने शायद, ओके कोई नहीं। पिकैक्स है क्या अपने पास, चलता है, तो इसको ऐसे ही तोड़ लेते हैं। तो 5x5 का एरिया चाहिए हम लोगों को ब्रीडिंग, मतलब एनिमल स्पॉन करने के लिए। ठीक है, दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, बराबर परफेक्ट, दो तीन चार पाँच काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से 3, 4, 5 बराबर है, 5x5 का एरिया बन गया। लेकिन थोड़ा सेफ्टी के लिए इसको वाइट कर लेते हैं, नहीं तो खेल गए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता इतने सारे इम्पोर्टेंट आइटम के साथ मैं गिरूँ। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। Mm-hmm.
अभी फ़िलहाल के लिए चल जाएगा, क्योंकि 12 ही स्लैब्स बाकी है और मैं नहीं चाहता कि और स्लैब्स मैं अभी के लिए बर्बाद करूं। तो देखते हैं अपने डर्ट का क्या हाल है, और अपना जो फ्लिंट हैचेट है वो फुल्ली अपग्रेड हो चुका है, और इसको ये कर लेते हैं। 5 डर्ट तो अपने को मिल गया, और डर्ट वो कर लेते हैं। फार्मिंग के लिए एरिया ज़रूरी नहीं है कि 25 ब्लॉक्स दूर बनाए, क्योंकि ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, फार्मिंग बाजू में ही कर सकते हैं हम लोग। तो कंपोजिटिंग चालू हो गया इसका, ये सब भरे हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बैरल और बना लेना चाहिए, तो अभी के लिए ये बना लेते हैं और 2 बना लेते हैं एक्चुअली। तो काम थोड़ा अपना फास्ट हो जाएगा। 2 बैरल्स जो है यहाँ आ जाएंगे, और स्लैब्स कहाँ गए बाद में चल के जितना भी स्टोन का एरिया है वो वुड का एरिया उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसमें स्टोन में, तो क्या थोड़ा मस्त है ये एरिया, तो मुझे करना ही है एक्चुअली। तो इस पर भी भर दिया जाए, अपना प्रोडक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। मेरी दोनों भांजियाँ बैठी हुई है अभी मुझे खेलते हुए देखकर, उनको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो डर्ट, अबे एक आध गिर गया क्या? नहीं, मेरे ख्याल से है अपने इन्वेंटरी में। आर्ट से कुछ काम नहीं चलेगा, और बनाने की ज़रूरत है तो भर डालते हैं इसको, इसलिए मैं सैपलिंग जमा कर रहा था। और एक चीज़ है, अगर हम लोग को के पास शीयर्स है तो हम लोग डायरेक्टली लीव्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो मैं काम करता हूँ शीयर्स बना ही दिया जाए, क्योंकि आयरन की कमी नहीं है हम लोगों के पास, तो 2 आयरन की ज़रूरत पड़ेगी शीयर्स बनाने के लिए। तो एनीवेज बन गया शीयर्स, और कितना हुआ इसका, 70% और 2 कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एनीवेज जितना बन चुका है उसको एटलीस्ट हम लोग डाल सकते हैं वहाँ पर ले जाके। तो जब तक ये सब कन्वर्ट हो रहा है मेरे ख्याल से ये भी लेके जा सकते हैं। ओके, और इनको भी रख देते हैं फटाफट कन्वर्ट करने के लिए। अबे गिरने के, अबे शिट, शायद से गिर गया, कोई नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं अपने पास करने के लिए। मेरे ख्याल से कंपोजिटिंग चालू हो गया इसका, तो फिर ये भी ऑलमोस्ट डन है। 13 डर्ट, इतना काफ़ी तो नहीं है क्योंकि मुझे 25 की ज़रूरत पड़ेगी। चलो शेयर का यूज़ किया जाए। शीयर्स का यूज़ हो गया, अभी जो ये है अपने पास, शीयर्स का फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ओक लीव्स मिलते हैं जिससे हम लोग उसको और जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सैपलिंग्स जितने तेज़ी से नहीं मिलता उतने तेज़ी से हम लोगों को ये मिलता है लीव्स, तो बेटर तरीका है ये। ये 90, ये बन चुका है, तो इसको भी लिया जाए। अभी भी हम लोग स्टोन एज से निकले नहीं है, मशीनरी वाला एज आएगा जब सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ अभी तक हम लोगों ने कॉबल स्टोन जनरेटर जो है अपना उसको ही ये किया हुआ है ऑटोमेटिक, और बहुत सारे मॉब्स आ गए हैं तो इन लोगों का भी फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो नॉर्मल तरीके से मिल नहीं सकते और सिर्फ मॉब्स को मारने से ही मिलता है, जैसे कि लूटबैक।
प्यारी चीज़ है सर्वाइवल, इस सर्वाइवल सीरीज में। तो देखते हैं कितने लूट पैक्स मिले। ओह कुछ रेड रेड अलग ही लग रहा है, तो मैं क्या फेंकूँ अभी के लिए फिलहाल। बाप रहे तो कुछ अलग ही है। बुक ये पिकैक्स फेंक सकते हैं अभी के लिए। और ज़ॉम्बी मीट चलेगा। तो देखते हैं ये कौन सा बेकन बैग है यार। ओह बहुत सारा खाना दिया यार इसमें। और इसको उगा लिया जाए। और मेरे ख्याल से इतना डर्ट काफी रहेगा अभी फिलहाल ब्रीडिंग एरिया बनाने के लिए। इसका मटेरियल भरा हुआ नहीं था, तो भर देते हैं सबको। और चलो सैपलिंग से ही काम चलाया जाए अभी फिलहाल के लिए। कितना परसेंट हुआ है ये? मैं एक्स्ट्रा इसलिए बना के रख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को जो फार्मिंग का एरिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ कहीं पे फार्मिंग किया जाए। तो एनीवेज 25 एग्जैक्ट डर्ट हम लोगों के पास है, तो केयरफुली हम लोग इसको वो कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। ये बायोम कौन सा है? मेरे ख्याल से टाइगा ही है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे फ्रेंडली मॉब्स यहाँ पे स्पॉन हो सकते हैं। और ज़रूरत है हम लोगों को लाइटिंग करने की यहाँ पर फिलहाल के लिए। मेरे ख्याल से मेरे पास एक ग्रास सीड होगा जिसे हम लोग डायरेक्टली ग्रास बना सकते हैं। ग्रास का जो एरिया होता है वहाँ पर जो अपने फ्रेंडली मॉब्स है वो लोग अच्छे से पैदा होते हैं। इस जो फालतू चीज़ें हैं उसको रख लिया जाए। लेदर कैप अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और क्या फालतू चीज़ है जो हम लोग रख सकते हैं? ये हो गया अभी के लिए। चारकोल वाले डिपार्टमेंट में डाल देता है। और क्या चाहिए? ग्रेवल भी मेरे ख्याल से यहाँ पे रखना चाहिए हम लोगों को। स्टोन और जो मिसलेनियस आइटम्स है लाइक फेंसेस मेरे ख्याल से यहाँ पे रखना चाहिए। चेस्ट भी, हॉट चेस्ट है हम लोगों के पास। कोई नहीं, इसको कंप्लीट किया जाए। ओह फेंसेस मैंने फालतू एक्चुअली, मुझे फेंसेस की ज़रूरत है। और स्टोन है ये हम लोगों के पास एक्स्ट्रा। मुझे चाहिए स्लैब्स बनाने के लिए। अभी 12 ही स्लैब्स हैं, मुझे एटलीस्ट 25 की ज़रूरत है, हो जाएगा। एनीवेज तो ये जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसमें, और इसमें जितना चाहे उतना बना सकते हैं। काफ़ी है तो अभी के लिए फ़िलहाल हो जाएगा। और 42 फेंसेस काफ़ी होंगे। तो स्लैब्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि शुरू से एक्चुअली करना चाहिए था अपने फुल ब्लॉक्स को। बट एनीवेज वैसे ये रिमूव करना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए चल जाएगा काम इससे। ज़रूरत है अभी फेंस गेट की, जो कि हम लोगों को बनाना है अभी। ये भी फिलअप कर ही देते हैं। सेंटर अपना ये है तो यहाँ पे रखते हैं। मेरे ख्याल से ये कर ही लेना चाहिए जब आए हैं तो यहाँ पर।
छोटी छोटी चीज़ बनाने में इतना टाइम लग जाता। बट नहीं, उसे एक बार बन गया फिर उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो कोई बुरी बात नहीं है उसको बनाने के लिए। तो ये रेडी है, फैंसेस इसके लिए भी लगेंगे, लेकिन अभी मैं मेहनत नहीं करूँगा उस पर क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, जब तक के 3 वाइट है वो। बस ये ले लिया है, इसको भी प्लांट कर दिया जाए। मुझे ज़रूरत है अभी फैंस गेट बनाने की। फैंस गेट के लिए ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है एक्चुअली। रेडी है और एक ही की ज़रूरत है तो काफ़ी है। इस एपिसोड में मैं दोनों चीज़ें करना चाहता हूँ, फार्मिंग भी और ये भी, तो थोड़ा ये रहेगा। अभी बस ज़रूरत है हम लोगों को ग्रास सीड की। ग्रास सीड हम लोगों के पास ऑलरेडी रखा हुआ है कहीं, तो वो बेवकूफ। तो ले लेंगे वो। इस ग्रास सीड मेरे ख्याल से यहाँ कहीं है। मेलन, पम्पकिन, सीड्स की ज़रूरत, जब फार्मिंग करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा ग्रास सीड, तो मुझे एक ही की ज़रूरत है। और मुझे ज़रूरत है आयरन और बनाना पड़ेगा एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, अपना जो स्मेल्ट्री है उसको काम में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक, मेरे ख्याल से इनमें से किसी एक में तो एक आर्मर वार्मर तो मिल ही जाएगा। तो नहीं, इस ग्रास सीड डाल के आ जाते हैं, क्योंकि वो फैलता है एक बार बनाने के बाद, और उससे फिर हम लोग बोन मिल करके ये पा सकते हैं। इसको मेरे ख्याल से इसको ले लिया जाए और हर कॉर्नर पे लगा देते हैं, तो क्या प्रॉपर तरीके से ये लिटअप हो जाएगा। बस एक यही जगह बच गया, कोई नहीं, यहाँ पे गेना सेंटर। तो अपना रेडी है, बस एक ग्रास सीट डालना है और इसको उम्मीद करना है कि ये फैल जाए फटाफट। मेरे ख्याल से लाइट है तो फिर फैल ही जाएगा, काफ़ी लाइट है। फुल लेवल अप होने के बाद बहुत ही फास्ट हो गया एक्चुअली अपना हैचेट। तो एनीवेज, अभी हम लोगों को ज़रूरत है वाटरिंग कैन की, उसकी रेसिपी देखी जाए, क्योंकि वाटरिंग कैन से हम लोग क्रॉप्स को जल्दी उगा सकते हैं। और अब ओह, चारी की ज़रूरत है, एक बॉल की ज़रूरत है और ये चाहिए बोन मील। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं बनाना एक्चुअली, पहले लोग को निपटा दिया जाए और लूट लिया जाए बेचारे लोग को। एक हाथ तो बैग दे दो भाई, एक मिला है एक्चुअली मेरे ख्याल से, अनकॉमन लूट बैग मिला है। मुझे लगा मैं गिर गया। अनकॉमन, ओह दो दो लूट बैग मिला, कोई नहीं, जब तक डर्ट वर्ट का अपना ये हो रहा है काम, तब तक हम लोग वो भी कर सकते हैं एक्चुअली। अरे यार, शीयर्स यूज़ करना भूल गया मैं, कोई नहीं। तो अभी वाटरिंग कैन बनाना है हम लोगों को। वाटरिंग कैन जो है उसके लिए हम लोगों को लगेगा बोल। बोल की इजी है, बोल बनाना टेंशन नहीं है, चार्जर बनता है ऊपर से ही। तो ज़रूरत है अभी आयरन, और आयरन की तरह ये रहा।
काफ़ी है ये इतना। और फिर ये डालो, तो मिल गया हम लोगों के पास खाली वाटरिंग कैन। अब इसको भरना है सिर्फ हम लोगों को पानी से, तो मेरे ख्याल से है। हाँ चालू हो गया, गुड। तो अभी ग्रास जो हम लोगों ने सीड डाला हुआ है उसको एटलीस्ट हम लोग वो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं और तेज़ी से फैला सकते हैं। फैल जा सिम सिम, बहुत ही सही चीज़ है एक्चुअली है वाटरिंग कैन, क्योंकि इसके काम आता है। एनीवेज अभी मेन चीज़ करना है हम लोगों को, ज़रूरत है फ्लावर की। यस, रेड फ्लावर की ज़रूरत है। तो हम लोग फाइनली अपना अचीवमेंट बुक बना सकते हैं जो हम लोगों ने मरने के बाद खो दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सीट, ओह क्या मिला, जगह नहीं है क्या अपने पास? कोई नहीं, एक टॉर्च ही तो है, तो उसको ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से सीट, स्ट्रॉबेरी सीट, क्या बात है। तो एनीवेज अब मेरे ख्याल से होपफुली यहाँ पे मॉब्स आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि ग्रास जो था वो हम लोगों ने डाल दिया। अब सिर्फ बचा ये क्या बोलते हैं फार्मिंग का एरिया। फार्मिंग का एरिया वैसे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इतने दूर नहीं जाना है, सिर्फ फटाफट हम लोग यहाँ पे ही बना सकते हैं। मेरे पास ये कितना है, काफ़ी स्लैब्स है अपने पास, काफ़ी तो नहीं है बट फिर भी मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे। तो 3, 4, 5, तो यहाँ पास में ही बना सकते हैं। पाँच और एक छः, बर्बाद कर दिया मैंने। कोई नहीं, मेरे ख्याल से ये एरिया काफ़ी है, एक एक्स्ट्रा रहने से कोई टेंशन नहीं है। एक जो टॉर्च था वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो काम आ जाएगा वहाँ पे लिट अप करने के लिए। आजा भाई, ओके। ओह शिट, इन्वेंटरी अभी भी भरा ही हुआ है। ओक सैपलिंग हटा देते हैं, बहुत सारे अपने पास। तो एनीवेज अभी डर्ट कितना है, 5। शेयर किया जाए इसको, और अबे मुझे इन्वेंटरी खाली करना ही पड़ेगा। क्या लिए डाला जाए, ये स्ट्रॉबेरी सीड्स इम्पोर्टेंट है तो इसको यहाँ पर रखते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी वो है, काफ़ी वो है अपने पास खाली करने के लिए। तो ये वुडन पिकैक्स की ज़रूरत पड़ेगी अभी एक्चुअली, और ये रख देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी रख देते हैं, ओह पीनट फूड प्लस, मेरे ख्याल से बोल भी रख देना चाहिए। एनीवेज 5 कितने डर्ट हो गए अपने पास, 5। और तू ओके, एम्प्टी क्यों है ये, ओह शिट, ओके हम लोगों ने पूरी तरीके से फिल नहीं किया था उसको, कोई बात नहीं हो जाता है। जब तक ये हो जाएगा तब तक के है मेरे ख्याल से अपना फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो एनीवेज 7 जो है अभी वो उसको इससे ही काम चलाया जाए, क्योंकि 25 चाहिए हम लोगों को डर्ट फिलहाल के लिए। और ये बेचारे को भी उठा लिया जाए तो अभी के लिए है। ओ ये एरिया थोड़ा ब्लॉक कर लेंगे अपन, और रात का टाइम है तो अभी के इसको थोड़ा वो कर लिया जाए। ये ट्रीज साले फटाफट उगते हैं टाइगर इसमें। ओ तू भरा नहीं है भाई,
टीडियस प्रोसेस है एक्चुअली, एक बार फार्म बनते तक। फिर उसके बाद जब हम लोगों को रिसोर्सेज मिलने लग जाएंगे फार्म से तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 6 अपने पास है और 13 के आसपास तो ऐसे ही हो गया, तो टेंशन नहीं है। 13 और 7, 13 7 20 तो हो ही जाएगा। तब तक के बेचारे लोग को, इनकी आत्मा को शांति दी जाए। बाप रे, इतने सारे शिट, इतना सारा सामान तो मैं रख भी नहीं पाऊंगा। सब खाली करके आना पड़ेगा वापस। ओह, सारी की सारी चीज़ है अभी मेरे ख्याल से। एक लूट पैक, हाँ हाँ, दो दो लूट पैक, दो दो रेयर लूट पैक है। एनीवेज, एक डर्ट का ये और बना लेते हैं, फिर उसके बाद लूट बैग्स जो है उसको ओपन किया जाए। ओ शिट, उधर क्यों गिर रहा है? डर्ट शायद गिर गया उस साइड, बट एनीवेज मेरे ख्याल से 5 डर्ट की और ज़रूरत है। और जब तक ये होगा कंपोजिट, तब तक के हम लोग लूट बैग्स खोल लेते हैं, जो कि बहुत सही पार्ट है इस मॉड पैक का। तो एनीवेज चलो फिर खोलम खाली चालू किया जाए। इसको रख देते हैं, स्ट्रॉबेरी भी अभी रख देते हैं, रॉटन फ्लैश ये सब, पॉपी इसकी ज़रूरत है लेकिन रख देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। वुड्स भी, मेरे ख्याल से और कोई चीज़ जा सकती है यहाँ पर। ओह, स्टोन ऑलरेडी है। तो एनीवेज पहले ये 4 लूट बैग्स खोल लेते हैं, देखते हैं कि हम लोग की किस्मत में क्या है। सॉरियन लूट बैग, इसमें हमेशा चेस्ट और ये सब रहता है। ओके, ऑब्सीडियन, वो ऑब्सीडियन काम आएगा हम लोगों को नेदर में जाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। गोल्ड प्रेंटिस रिंग, कोई नहीं, अनकॉमन। ओ एमरल्ड, ओक सैपलिंग, गुड। और पहले ये सब कॉमन लूट बैग्स को खोल लिया जाए। नेम टैग सही है, इसमें क्या है? एंडर पर्ल, साला जब ज़रूरत थी तब तो मिला नहीं। मुझे ना और कुछ करना पड़ेगा। एंडर पर्ल तो काम का चीज़ है, ये काम का चीज़ है। कोल्ड जाएगा, एम्ब्रल जाएगा, ये जाएगा, और ये सबको भी रख ही लिया। चाहे ये जाएगा, बुक ऑब्सीडियन भी रख लेते हैं यहाँ पर। लेदर कैप देखते हैं बाद में यूज़ करेंगे अपन। और नेदर वॉल्ट, सॉरी नेदर रैक, स्टोन भी है मेरे ख्याल से, बहुत सारी चीज़ें। चलो अभी चालू कर सकते हैं। तो आयरन पिकैक्स, इसको स्मेल्ट करके हम लोग वो बना सकते हैं, वापस से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिएचर हार्ट, नॉट बैड। इंस्क्राइबर इंजीनियरिंग प्रेस, ये सब काम आएगा हम लोग वो एमी सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन बस चार्ज 30 स्क्वाड्स की ज़रूरत है, वो पता नहीं कि कब मिलेगा। एक और कॉमन लूट बैग बचा हुआ है जिसमें म्यूजिक डिस्क है, जो किसी काम का नहीं है। देखते हैं ये वाले, ये कौन सा अनकॉमन सॉयल फायरियन। ओह, ये थोड़ा काम का हुआ, ये भी काम का हुआ, सही है। और अब देखते हैं रेयर लूट बैग पहले खोलते हैं, इनको ले ही लेते हैं। रेयर लूट, ओ डिविजन सीजल, ये हम लोगों को चाहिए अनस्टेबल इंगेट बनाने के लिए, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। और इसको डाल दिया गया यहाँ पर, मेरे ख्याल से इसको तो हम लोग डायरेक्ट डंप कर देते हैं। आर्मर की अभी ज़रूरत नहीं है मुझे एक्चुअली, तो एक काम करते हैं, स्मेल्टरी में स्मेल्ट कर देते हैं इनको, क्योंकि इसके छके पे हम लोगों को कन्वर्ट होके डायमंड मिल जाएंगे। रेल्स भी मेरे ख्याल से, हाँ रेल्स काम आते हैं,
तो बहुत सारे आयरन मिल जाएंगे और डबल मिलेंगे। तो एनीवेज स्टाफ ट्रैवलिंग एपिक में देखते हैं। ओ भाई साहब, ये हुई ना बात, इसको रख लेते हैं और फिर हम लोगों को इंजीनियरिंग प्रेस रख देते हैं। ये तो रेडस्टोन अलॉय तो है ही, और क्या है, ये खोलना पड़ेगा, ये रख देते हैं, ये रख देते हैं। सारा चेस्ट फिर से भर गया। और कुछ है जो मैं टॉस कर सकता हूँ यहाँ पर? ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इसको देखते हैं। ओ गोल्डन चेस्ट प्लेट, गुड, गोल्ड कॉइन, ओके, लेदर बूट्स, अनस्टेबल टू, ये क्या है भाई, पहली बार सुना मैंने ऐसा वो। और स्प्लैश पोशन दिया हुआ है, आधी से ज़्यादा चीज़ तो हम लोग यूज़ करने वाले भी नहीं हैं। एनीवेज क्या बचा, सॉरियन और विल्ड, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें वही सेम चीज़, स्टिक की ज़रूरत नहीं है। नेदर रैक, स्टिक की ज़रूरत नहीं है। और क्या दिया, चेस्ट, चेस्ट डाल देता है। मेरे ख्याल से स्टिक जो है उसको फेंक देना चाहिए, काम का नहीं है। नेदर क्वार्ट्ज की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं तो स्टिक के लिए जगह होगी बेचारे के लिए, यस। और यहाँ कोई जगह है तो देखते हैं। सैपलिंग्स, ओह मैंने प्लांट नहीं किया, एक्चुअली कर लेना चाहिए मुझे। तो एनीवेज ये सब डर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मैं बेवकूफ़ हूँ जिसने लिया नहीं। और मेरे ख्याल से इस तरफ कहीं गिरा तो नहीं है, इसको तोड़ लिया जाए, साले पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से छः जो है, छः से ज़्यादा की ज़रूरत है हम लोगों को। छः और चाहिए मेरे ख्याल से, नेक्स्ट ट्राई में हम लोग बना सकते हैं। कहीं रख तो नहीं दिया मैंने डर्ट, कहीं दिख रहा है क्या, नॉप। और हम लोग के पास ये भी नहीं है और डर्ट बनाने के लिए। चार तो बन ही सकते हैं और सैपलिंग्स भी होंगे हम लोगों के पास, और तो इनको यूज में ला के कंपोजिटिंग चालू है इनका, इसका भी चालू है। बस ये और इसके बाजू वाला बैरल फिल कर देते हैं, तो हम लोग के पास पर्याप्त ये रहेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा अलग जगह पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके कारण ना बहुत डिस्टर्बेंस आती है। सेफ्टी के लिए एक और एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। और देखते हैं अपने पास कुछ पैदा हुआ क्या यहाँ पर। ओ मैंने गेट खुला रखा है, शिट, पैदा हुआ भी होगा तो गिर गया होगा। एनीवेज देखते हैं, जब तक ये कंपोजिट हो रहा है तब तक हम लोग मारपीट करके आते हैं और बहुत सारे लूट मिलने वाले हैं हम लोगों को वापस से। आओ बच्चों मार खाओ, पार्टी है मार खाने की। मेरे ख्याल से फिर से फिलअप हो गया मेरा इन्वेंट्री ऐसा लग रहा है। यस, नहीं 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 हुआ। तो एनीवेज दोस्तों, आप लोगों का सजेशन चाहिए मुझे कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि वही मेन मोटिव है मेरा। क्योंकि आप लोग को मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं, और देखोगे नहीं तो फिर ओ शिट, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं भी। इन्वेंट्री में जगह नहीं थी और मैंने डर्ट को वो किया,
जिससे वो उस तरफ उछल के गिर गया। तो अभी सेफ्टी के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ओह शिट, अभी कुछ काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि मैं खाली नहीं करता इन लोग को। तो और कोई चीज़ है जो आ जाए यहाँ पर फालतू चीज़ों के अलावा? मेरे ख्याल से हम लोग रेल, ये जो है रेल की पटरी, रेलगाड़ी। ओ भाई साहब, 15 इंगेट्स, आयरन सॉर्ड शार्पनेस 2, गुड। तो रेल की पटरी को भी डाल देते हैं, 15 अभी मेरे ख्याल से और मिल जाएगा हम लोगों को। एनीवेज, तो अभी ज़रूरत है हम लोगों को थोड़ा ये बनाने का, मेरे ख्याल से एक और मुझे बनाना है। प्लैंक्स नहीं, एक्चुअली स्लैब्स, क्योंकि जो भी डर्ट उधर गिर रहा है वो हम लोग रोक सकते हैं एटलीस्ट इससे। तो फिलहाल के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओह शिट, कोई बात नहीं, बेचारा छत्तीस। ओह शिट, हाय हाय, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मैं कुत्ते की मौत मरा हूँ, वो भी एक सिंपल सी गलती के लिए। पता नहीं मैंने शिफ्ट दबाया हुआ था पर फिर भी क्यों गिरा। एनीवेज, जो अपना फार्मिंग का काम है वो तो हो जाएगा एटलीस्ट, अगली बार से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हाय हाय, और बस अभी हम लोगों को बीच में एक वो डालना है, वाटर सोर्स, और फार्मिंग स्टार्ट करना है। तो एनीवेज दोस्तों, ये पार्ट मैं यहाँ पे दुखी होकर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरी सारी चीज़ें चली गई है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अगली बार से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।